बसपा ने चुनावों से पहले की समीक्षा मीटिंग। प्रदेश अध्यक्ष गढ़ी पहुंचे अमृतसर। 7 अगस्त को निकाली जाएगी आशीर्वाद यात्रा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी आज अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला तरन तारण तथा अमृतसर लोकसभा के अधीन आते पार्टी वर्करों की एक मीटिंग की, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर समीक्षा की गई। गढ़ी ने कहा कि जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी ताकत में आ रही है, विरोधी पार्टियाँ इससे घबराहट महसूस कर रही हैं, इसलिए बहुजन समाज के खिलाफ विपक्षी दल निंदा योग टिप्पणियाँ कर रहे हैं। पार्टी 7 तारीख को श्री राम तीर्थ से श्री हरिमंदर साहिब तक एक आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पंजाब विच बहुजन समाज पार्टी जिदा जिदा तकड़ी हो रही आ, मजबूत हो रही आ, उमें उमें कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी ने बहुजन समाज का दलित पछड़े समाज का खुले आम अपमान करना शुरू कर दिता है। कांग्रेस ने यह बयान लगाया कि श्री चमकौर साहब तो श्री आनंदपुर साहब श्रोमणी अकाली दल नाल गठजोड़ होने तो बाद यह पवित्र ते पंथक सीटा बहुजन समाज नूं क्यों देतीआं, दलित पछड़े वर्गों नूं क्यों देतीआं, और असी पूरे पंजाब दे दलित समाज कोल पछड़े समाज कोल गल लैके जा रहे हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज नूं दलित पछड़े समाज नूं रवनीत बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट गैर पंथक ते अपवित्र कह रहा, और यही गल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने कही आ। और आम आदमी पार्टी तो एक कदम अगे चले गई, उन तो भारत के संविधान ही घटिया और गलत दस दिता, और सरदूलगढ़ तो सबका MLA 3 वरी का कांग्रेस का सरदार रजीत इंद्र सिंह मुफर, उन्हें बहुजन समाज में दलित पछड़े वर्गों लई 2 जाति सूचक शब्द वरत के हरामी तक दस दिता। तो बहुजन समाज पार्टी जिहड़ी कि गरीबां नमाणे न्यासर न्याटे लोगों की अगवाई करती आ, उन्हां दे माण सन्मान की लड़ाई लड़ रही आ। अज इदां लग रहा कि आजादी के 74 सालों च हले भी सानू माण सन्मान की पंजाब की धरती ते, जिस धरती ते बाबे नानक ने कहा सी माणस की जाति सभ एक पहचान वो, उस धरती ते सानू अपनी माण सन्मान की लड़ाई लड़नी पै रही। इहदे लई असी जिथे मरिंडे तो चमकौर साहब तक की वड्डी यात्रा कढ़ी माण सन्मान लई, श्री खरालगढ़ साहब तो श्री आनंदपुर साहब की कढ़ी यात्रा वड्डी मोटरसाइकिल रैली, और भगवंत मान जी का घर घेर के असी उहदी उह जिहड़े आगू ने संविधान के खिलाफ बयान दिता उहदी बरखास्ती की मंग की आ। उत्थे असी अजीत इंद्र मोफर के खिलाफ 3 तरीक नूं सरदूलगढ़ तो 3 अगस्त नूं सरदूलगढ़ तो मोफर पिंड तक विशाल रोस यात्रा कढ रहे हैं। माण सन्मान की लड़ाई लई जिहड़ा असी अज अमृतसर आए हाँ, अज असी ये ऐलान करन आए हाँ कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता और आम पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। असी गुरुआं दा आशीर्वाद लैण लई, जिन्हां गुरुआं ने साडे सिरां ते कलगियां सजाइयां, इन गरीब सिखन को दै पातशाही, 7 अगस्त नूं भगवान वाल्मीक तीर्थ तों लै के श्री हरिमंदर साहब तक दा असी आशीर्वाद यात्रा जिहड़ी कि गुरुआं दा आशीर्वाद लैण लई होएगी कि गुरु साहब सानू आशीर्वाद दिओ, जिहड़ियां कांग्रेस भाजपा और आम आदमी पार्टी ये दलित पछड़े समाज का अज पंजाब की गुरबाणी के गुरुआं की धरती से अपमान कर रही हैं, इन्हां तो असी बदला लै सकीए। गढ़ी साहब, मौजूदा पंजाब के पोलीटिकल सिनेरियो बारे की कहोगे? नवजोत सिंह सिद्धू ने कमान संभाली है कांग्रेस ने, वो पंजाब च हुण सरकार बनाउण का दावा कर रहे हैं, उधरों केजरीवाल साहब भी पंजाब सरकार बनाउण का सुपना लिया रहे, और भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी इस वेले हाशिए ते है 117 सीटां जितने की गल कर रही है। देखो, कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी ने पिछली बारी 117 सीटा चों 100 जितने का सर्वे किया सी, और पूरे पंजाब च एक झूठ जिहड़ा आ फैलाया सी, अज उदां दा ही झूठ है। उस वेले ना वो 100 जित सके, 100 पार कर सके, 20 ते सिमट गई आम आदमी पार्टी लई, अज तां 20 बचाणियां औखियां। और आम आदमी पार्टी दे आगू जिहड़े शरेआम संविधान नूं गलत और घटिया दस रहे आ, तां बहुजन समाज पार्टी उहनां दे रस्ते च इक वड्डा रोड़ा बन के खड़ी आ। बहुजन समाज पार्टी जिहड़ी भारत दा संविधान का सन्मान करती आ, आम आदमी पार्टी पहला उन्हों आगू नूं बरखास्त करे जिन संविधान विरोधी बयान दिता। और भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा हाल है, वह तो किसान अंदोलन नहीं पंजाब दे विच उहदा नक्शा जिहड़ा पूरे देश विच बिगाड़ देना आ। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कि बड़ी झूठ पार्टी आ, फोके लारे लाने वाली, खोखले वादे लाने वाली पार्टी आ, इन्हें घर घर नौकरी का वादा दिता पहला उहदी जवाबदेही, और 4 हफ्तों के दशमेश पिता नाल वादा कर लिया, गुरबाणी मत्थे नूं ला के 4 हफ्तों च वादा कर लिया नशे खत्म करांगे, और दम तख्त श्री दमदमा साहब वालों हथ करके वादा कर लिया। ये तो वह ही जवाब देन पहला भी वो क्या किया,
और सिद्धू साहब वो तो तुसी देखो कि 18 वादियां की लिस्ट दी केंद्र सरकार ने केंद्रीय इन्हां दी लीडरशिप ने बीबी सोनिया गांधी जी ने सिद्धू साहब की बेचारे की इन्ना कई हाल उन्हें 18 नूं कट के 5 कीता मुख्यमंत्री साहब कोल गया और मुख्यमंत्री ने अगले दिन पत्र सरकारी जारी करता कि 5 की भी लोड़ नहीं है 80% काम हो गया और मुख्यमंत्री का हाल बेचारे का यह आ कि जिहड़ा नवां प्रधान आया 100 चुक समागम ते उहदे वल नूं मूंह भी नहीं करता तो आपस दे विच पार्टी हुई कांग्रेस जिहड़ी आ सरकार बनाउणा तां बड़ी दूर की गल है ये तो आपस दे विच एक दूजे नूं हराउण लई लड़नगे नूं नज़र आ रहा कि पंजाब दे विच किसान पक्षी मजदूर पक्षी दलित पछड़े पक्षी जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ आया ये सरकार बनाएगा और जिहड़ा अपमान पूरे पंजाब दे दलतां पछड़ियां नूं कांग्रेस ने भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने गैरपंथक अपवित्र हरामी और संविधान नूं गलत बोल के कहा असी इहदा बदला लवांगे केंद्र सरकार तो इसको खेती मंत्री ने यह बयान लाउणा कि किसान कोई प्रस्ताव लैके आउण बहुजन समाज पार्टी ने पिछले दिनों पूरे पंजाब के 23 जिले वड्डी रोस मार्च कढे आ और बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ ने पार्लीमेंट दे विच अडियनमेंट मोशन सिर्फ किसान मुद्दियां ते लिया सिर्फ किसान मुद्दियां ते जदों के बाकी पार्टियां ने अडियनमेंट मोशन बई साडी जसूसी क्यों करदे आ पैगासस दे नौ दे उत्ते उन्होंने अडियनमेंट मोशन लिया और बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ कल वख-वख पार्टियां की सहायता नाल राष्ट्रपति मानयोग नूं मिल के आए आ संसद दे विच बहुजन समाज पार्टी लड़ रही आ पंजाब विच साडे कोल क्योंकि संसद मैंबर नहीं असी किसानां दे हित लई दलित पिछड़े दे हित लई सड़क ते लड़ रहे सिंह अटवाल जन सकत्तर बहुजन समाज पार्टी पंजाब अज बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी जो अमृतसर की इस पवित्र धरती पर पहुँचे है और समीक्षा मीटिंग की जा रही है क्योंकि 2022 का इलैक्शन बिल्कुल नज़दीक है वो समीक्षा मीटिंग लैन वास्ते साढ़े वख-वख हलकों के लोग सभा अमृतसर और जिला तरन तारण के 4 हल्के वो इतने साढ़े पहुँचे आ और समीक्षा मीटिंग करके अगली रणनीति जी है वो जी 2022 के गठबंधन की सरकार बनाने वास्ते उलीकी जाएगी असी पंजाब प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी का अमृतसर की इस पवित्र धरती से पहुंचते जी आए आखते हैं वेलकम जी कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जोड़े जी आने जोड़ा पवित्र और गैर पवित्र गल कही आदा जोड़ा बहुजन समाज के सारे लोग विरोध कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी भी लगातार विरोध के जय भीम जय।